बिसम रहीम सो वी आर डूइंग स्टैटस्टिक्स इम्प्लीकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम लास्टली बात कर रहे थे कि टेल रिस्क क्या होता है फिर हमने बात की कि उसकी हमें हैजिंग क्या करनी चाहिए वॉट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दैट क्योंकि अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो और फिर तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल सो लाइफ इज़ नॉट दैट सिम्पल इन रियल वर्ल्ड सो वी शुड बी वेल वेल प्रिपेर तो हम उसी की थोड़ी सी एक इलिस्ट्रेशन की बात करेंगे कुछ उसकी फिर फर्दर डिस्कशन इम्प्लीकेशन हम लोग का आ जा रही है जिसको हम लेकर चलेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ एनवेस्टर इज लॉन्ग दैट दुअर इंडेक्स फाइव हंड्रेड कि हमने इन्वेस्टमेंट की भी है ई टी एफ लिए हुए एक्सचेंज ट्रेड फंड लिए हुए हैं जो कि एस एंड पी फाइव हंड्रेड को फॉलो कर रहे हैं यानी कि स्टॉक मार्केट में हम लॉन्ग हैं यानी कि स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट हमें आएंगे गेंस भी हमें आएंगे लॉसेस भी हमें आएंगे तो अब रिस्क क्या है कि मार्केट क्रैश कर जाती है मार्केट में मेजर डिप आ जाती है कोई रिसेशन फैक्टर आ जाता है कोई और इस तरह का बड़ा टर्म आ जाता है जो कि हमें इम्पैक्ट कर सकता है तो इन्वेस्टर कुड हैज अगेंस्ट द टेल रिस्क बाय परचेजिंग डेरिटिव ऑन शिकागो बोर्ड ऑप्शन वॉलिटिलिटी इंडेक्स विच कैन इनवर्सली को रिलेट टू द एस एंड पी फाइव हंड्रेड कि अभी फिर हमें अगर मार्केट ऊपर जाए तो वी शुड बी हैप्पी बट अगेन हम जब रिस्क की बात करते हैं तो हमें दोनों को कैप्चर करना होता है बट इसको हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं कि हम शिकागो बोर्ड के कुछ ऑप्शन ऐसे में पोजिशन ले लें जो कि एस एंड पी फाइव हंड्रेड के से को रिलेटेड ना हो बल्कि इन्वर्सली को रिलेटेड हो। कि अगर मार्केट नीचे जाए तो वो वहाँ से हमारा रिटर्न ऊपर आ जाए तो हमारे वो लॉस को वहाँ पे फिर वो कैप्चर

इन शॉर्ट बड़ा एक और टाइम था तो उसके बाद फिर ये चीज़ें आई हैं कि भाई जब क्राइसिस आ जाते हैं तो फिर सिचुएशन कैन बी वेरी वर्स सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट आप अगर नॉर्मल प्लान भी किया हुआ था बट ये उसको सारे को चेंज कर सकते हैं तो इसलिए हमें इनको कैप्चर करना है माइंड में रख के चलना है इवन बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस पीरियड ऑफ स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आते रहे मार्केट में अपडाउन भी आते रहे जब मेजर डाउनफॉल्स भी देखेंगे वहाँ पे भी ये चीज़ बड़ी इमर्ज हुई थी लेकिन इसके बाद तो एक बहुत ही हाईलाइट होगी कि आपको क्राइसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और ये भी फाइनल हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती टेल्स आर देयर वी शुड कैलकुलेट टेल रिस्क वी शुड कैप्चर एंड हैजेल रिस्क हैजिंग बींग अवेयर ऑफ एक्सट्रीम इवेंट इज़ नॉट अनफ कि सिर्फ पता नहीं होना ये काफ़ी नहीं है कि जी वो हो सकता है लेकिन उसके लिए प्रपेयर करना उसके लिए अपने आप को कैप्चर करना तो आइडियल पोर्टफोलियो नॉट जनरेट गुड रिटर्न ऑन वॉलिटेलिटी बट विल प्रोवाइड सम अश्योरेंस अगेंस्ट टेल रिस्क रिस्क को तो कैप्चर रिस्क बेस्ड रिटर्न तो दे लेकिन टेल रिस्क को भी उसको कैप्चर करना चाहिए एंगेजिंग इन टेल इज हैजिंग रिक्वायर्स एक्टिव प्रेफरेंस फॉर अवॉइडिंग डाउन साइड एट द एक्सपेंस ऑफ हायर रिटर्न हमें जब इसको कैप्चर करेंगे तो हमें क्या करें कि नीचे जाने को हम सेफ गार्ड करेंगे लेकिन इससे यह भी हो सकता है कि आपका कुछ ऊपर जाने का पोटेंशियल भी लूज करें विच इज़ फाइन क्योंकि आपको सेफ गार्ड होना ज़्यादा जरूरी है रादर देन हाईवी रिटर्न के सिर्फ आप उसमें रहें तो इसलिए ये डाइवर्सिफिकेशन और इसके टूल्स के थ्रू हमें फिर इसको लेके आना पड़ेगा ताकि टेल रिस्क को कैप्चर किया जाए पॉपुलर एसिड टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम टेल रिस्क इंक्लूड्स डेरिवेटिव ज़्यादा अभी जैसे भी हमने पहले बात की थी कि ऑप्शंस ले लें तो ये शिकागो बोर्ड ऑफ स्टॉक चेंज ऑप्शन है ये आपको बड़े अच्छे डेरिवेटिव्स देती है जिससे आप अपने टेल रिस्क को कैप्चर कर सकते हैं सो वी शुड टेक केयर हमें मल्टीपल ऑप्शंस लेनी चाहिए और डेरिवेटिव्स के थ्रू हम इसको सेफ कर सकें थैंक यू